अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ से परेशान नहीं होना। अभी अभी स्कूल से कॉल आई है तनजारा की तबीयत ख़राब है, तो उसकी कोऑर्डिनेटर ने मुझे कॉल किया कि आप उसको पिक कर लें। तो मैं अभी स्कूल जा रही थी तनजारा को लेने। तकरीबन 11 बजे का टाइम है, सुबह 11 बजे का। तो आई डोंट नो उसकी तबीयत को क्या हुआ। माशाल्लाह सुबह से बिल्कुल ठीक गई थी सुबह तो, लेकिन देखती हूँ अभी जाके कि उसको क्या हुआ है। तो खैर मैं उस चलती हूँ उसको लेने के लिए। तो बच्चों को मैं लेके आ गई हूँ। अदन ज़रा की तबीयत ख़राब थी, इसके ना बैली में बहुत पेन थी, तो मैं इसको लेके आ गई हूँ। अभी इसको मेडिसिन दे रही हूँ, तो अल्लाह ताला सेहत देंगे। अदन ज़रा उठे ना, ये पिए मेरी जान, अल्लाह ताला सेहत दें। अब मीराल ज़रा का मूड इसलिए ऑफ है क्योंकि इसका दिल नहीं था आने का। तो ये कह रही थी कि अभी मेरी तो स्टडीज़ होनी है, तो इसको फिर ले आई मैं ज़ारा, क्योंकि दोबारा नहीं जा सकती थी। मीराल, बैला की तबीयत ख़राब थी ना, तो फिर आना था ना घर। चलें आप फ्रेश हो जाएं। चलें अदन ज़रा आप थोड़ी देर के लिए सो जाओ। तो बच्चों को घर ले आई थी, और उसके बाद मेरी अपनी तबीयत इतनी डाउन हो गई थी टेंशन की वजह से, क्योंकि जैसे ही मुझे अदन ज़रा के लिए कॉल आई थी कि उसकी तबीयत ख़राब है, तो मेरा खुद बीपी लो हो गया था। और घर जब आई तो मैंने चेक करवाया, तो मेरा जो है बीपी बहुत ज़्यादा लो था, और साथ में मेरी हार्ट बीट जो है 120 पे थी। हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हुई थी और बीपी अखीर का लो हुआ हुआ था। तो बस उसके बाद मैंने खुद जो है मेडिसिन वगैरह ली, और डॉक्टर बस यहाँ पे मुझे यही कह रहे थे कि आप हौसला रखा करें, क्योंकि ज़ाहिर है खुद ही आपने बच्चों को मैनेज करना है, तो आप अपनी तबीयत भी डाउन आपने कर ली है। अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। जो आज हम लोग करने वाले हैं, कुछ करने नहीं वाले। आज हम शाम को शाम होनी, अभी थोड़ी देर जब थोड़ी सी शाम होती है और थोड़ी सी दोपहर होती है, उस वक्त जाएंगे हम लोग पार्क, और फिर हम लोग मिलते हैं आप लोगों से बाद में। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून। और अभी एकदम से अंदर आवाज़ आ रही थी, मैंने कहा ये रेन है या शायद टैंकी का पानी गिरा है, लेकिन जब बाहर आके देखा है तो बारिश हो रही है, और इतना माशाल्लाह से मज़े का वेदर हुआ है। चेक करें ज़रा। अच्छा माशाल्लाह। और जी माशाल्लाह बच्चों की तो खुशी की इंतहा नहीं है, और अदन ज़ारा आ गई हैं बाहर, और मीराल भी बस आ ही रही हैं। आज इन्हें बारिश में नहाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। रेन हो रही है, क्रेन रेन हो रही है, ये देखे रेन हो रही है। एल्सा मेरे काका भी आ गया लेन एंजॉय करने के लिए, मेरा बेबी भी आ गया लेन एंजॉय करने के लिए। एल्सा बेबी भी बाहर आ गया लेन देखने के लिए। और ये जी जूतों का लंडा बाजार मैंने खोला हुआ है, क्योंकि आज मैं कबर्ड सेट कर रही थी,
शूज़ ऐसे हुए पड़े थे कि जो ढूंढना होता था वो मिलता ही नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने कहा सेटिंग करती हूँ इनकी, जो पहनने वाले हैं वो रखती हूँ, बच्चों के ऊपर वाले कबड़ में रखूँगी और अपने नीचे रखूँगी, और जो नहीं पहनने वाले वो साइड पे करती जाऊँगी। संडे है ना, तो बस कोई ना कोई काम खोलना ही होता है। नेक्स्ट डे, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सब? और बच्चों को लेके मैं स्कूल से आ गई हूँ, और सबसे पहले गर्मी बहुत ज़्यादा, और इनको मैं पहले शेक बना के दूंगी और उसके बाद इनको दूंगी एक सरप्राइज, और इनका रिएक्शन देखना। यस, हाँ जी, सरप्राइज है, सरप्राइज। तो चलें जी, मैं शेक बनाती हूँ, ठीक है? वो आप लोग पियो, आप लोग पहले, बल्कि नहीं, पहले शेक पी लो, उसके बाद फिर चेंज करते हैं, ओके? चले, अरे इस बेबी को देखें ना, ये क्या कर रहा है? एल्सा, 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 जान, क्या कर रही है? टन टन टन, वेलकम वेलकम बेबीज, वेलकम, पिए पिए। चलें जी, तो अभी ये जल्दी से फिनिश करें, फिर मैं दूंगी सरप्राइज। आर यू वेटिंग, आर यू एक्साइटेड फॉर सरप्राइज? चलें, सरप्राइज वैसे आप दोनों में से किसी एक के लिए है, अब देखें कि किसके लिए होगा। चलें ठीक है, पिए पिए पिए, मुझे भी बताएं क्या कन्वर्सेशन हो रही है। मामा से छुपा रहे हैं, चलें जी, शेक फिनिश हो गया माशाल्लाह से, और सरप्राइज का आप लोग गैस भी तो करें ना। यस, अच्छा पहले तो ये गैस करें कि सरप्राइज है किसके लिए, अदन जारा के लिए या मीराल जारा के लिए? ओ, आपने भी ऐसे किया और मीराल ने, मतलब अदन के लिए सरप्राइज है? yes. आपको नहीं लग रहा कि आपके लिए होगा? नहीं लग रहा? चले देख लेते हैं किसके लिए। अगर हुआ किसी एक के लिए ना, फिर सुन लियो, मैं उस मिराल के साथ शेयरिंग करनी है, शेयरिंग भी करनी है। गेस करते हैं, गेस करें। चले बेबी, काका चले, छोड़े कोई बात नहीं, गेस नहीं करते, डायरेक्ट सरप्राइज दे देते। ले आऊं? अच्छा एक सेकंड, इनको हो रहा है कि मम्मी जल्दी से सरप्राइज ले आए, कि मतलब मैंने कोई चीज उठा के लानी है और इनको देनी है, ठीक है? इन्हें ये नहीं पता कि सरप्राइज इनके पास ही पड़ा हुआ है। ये भी नहीं पता कि सरप्राइज इनके नहीं, ऐसे खराब नहीं करना कुछ, बैठे बैठे मैं देती हूँ, बैठ जा, देती हूँ ना, सब्र। सरप्राइज है ये, देखिए चेक करें, ये मैंने स्टिच की है। यस, अदन के लिए हैप्पी, कोई बात नहीं, सरप्राइज तो मैं आपको देती है, और यस, गुड बेबी मिली जान, मेरे बेटे का मूड नहीं ऑफ होगा, है ना? वैसे मिराल आप भी पहन सकते हो, वैसे टाइम कम था तो मैंने एक ही स्टिच की है, इसे प्यारा लग रहा है ना, पसंद आया? बहुत प्यारा, ऐसे दिखाएं जरा, ये शर्ट और ये ट्राउजर है, ये शलवार मैंने बनाई थी, गुड। चलें अभी ये पहन के चेक करवाना, मुझे दिखाना, ठीक है? और मैंने जल्दी जल्दी में ही बनाया, बस हैप्पी, यस यस, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू मामा, वेलकम मेरी जान।
चलें जी अभी अदन ज़ारा पहनती है तो फिर आप लोगों से मिलते हैं। जी तो अभी अदन ज़ारा अपने साथ बैंगल्स पहनने लगी हैं ड्रेस के साथ, पहने अदन ज़ारा। मिराल जानी आप ही पहनो। ये थोड़ी सी पूरी बहुत है। अदन हाफ ऑफ दोनों हैंड्स में। हाँ जी हम लोग बना रहे थे यहाँ पे अदन ज़ारा की फोटोज, फोटो शूट चल रहा है और आप लोग ये फोटोज और वीडियोस देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी और टिकटॉक पे भी। यस यस और यूट्यूब पे पहले सब्सक्राइब करना है और यस वीडियोस को लाइक भी करना है इंशाल्लाह। देखिए इतनी मेहनत से हम लोग धूप में आके आप लोग की रील्स वगैरह फोटो बनाते हैं, आप लोग कुछ करते ही नहीं है, बस देख यहाँ चले गए। आइंदा ऐसे नहीं करना, आइंदा सब्सक्राइब करना है और जो लोग हमारे चैनल पे न्यू है वो भी सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, सब कुछ कर दीजिए। चलें अब हम लोग फोटो वगैरह बनाते हैं, धूप बहुत ज़्यादा है। और मिराल ज़रा क्यों नहीं बाहर आई, क्योंकि मिराल को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, उसको बोलते हैं लेकिन वो कहती है नहीं मामा बाहर गर्मी है मैंने नहीं आना। और अदन ज़रा ने माशाल्लाह शूट करवाया और बहुत प्यारी फोटोज़ आई हैं वीडियोस। और चलें अब जल्दी से खाना खाएंगे और अकेडमी का टाइम भी और है, खाना खा के चलते हैं अकेडमी। ओके आ जाए, बहुत प्यारे लग रहे हैं अदन। थैंक यू। यस ये अदन ज़ारा का ड्रेस मैंने आज स्टिच की है और बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। आप लोग भी बताइएगा कि कैसी लुक लग रही है। अदन ज़ारा गिरने लगी थी अभी। हाँ जी मैंने भी खाना, क्या ख्याल है ना खाऊं। अच्छा चलिए आलू गोश्त का सालन बना हुआ है और बच्चे खाना खाने लगे और इसके बाद बस मैंने इनको जल्दी से अकेडमी छोड़ के आना क्योंकि टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। और हरी अब जल्दी से खाना खा लें, साथ में मैंने दही भी रखा है और साथ में सैलड भी है और क्योंकि ये क्यूकम्बर भी नहीं कोई ख़ास खाती हैं और साथ में मैंने टमाटोज अपने लिए थोड़े से रखे हैं और अनियन वगैरह वो मेरे लिए सैलड है क्योंकि उन्होंने तो खाना नहीं है, तो ये सालन में थोड़ा सा दही डालेंगे और खाएंगे। तो चलें जी फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, इनको मैं एक दफ़ा अकेडमी छोड़ के आ जाऊँ। क्या खा रहे हैं अदन ज़ारा? अच्छा जी योगर्ट मेरी अदन ज़ारा की माशाल्लाह बहुत फेवरेट है दही, उसको ना खाने के बाद थोड़ा सा दही जो है ना चीनी डाल के इसको बहुत पसंद है तो इसको चाहिए होता है लाजमी, तो मैं ना घर में दही लाजमी रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है खाने के बाद इसने लाजमी खाना है। तो जी अच्छी बात है, खाती है तो हेल्दी है ये, लेकिन मिराल ज़रा नहीं खाती, उसे ना नाश्ते में खाना है ना दोपहर में ना रात में, मतलब उसे दही चाहिए ही नहीं, दूध से बनी तो उसे कोई चीज़ भी नहीं ना चाहिए, इसलिए तो वो इतनी स्लिम है। मिराल ज़रा आपके बारे में बात हो रही है, आप भी खाया करो, हैं नीचे खाया करें, ठीक है खाना होता है ना हेल्दी फूड। मेरे बेटे जल्दी सी करें आप लोग, हैं रेडी तो हैं ही, बस अब चलें अकेडमी। फ्रेंड्स मैं बच्चों को अकेडमी छोड़ के घर आ गई हूँ और अभी मैं अपना मोस्ट फेवरेट काम करूँगी, चाय बनाऊँगी और इन्जॉय करूँगी, साथ में ब्लॉग एडिट करूँगी। तब तक आप मेरी वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।